आप सभी से नमस्कार। आप देख रहे हैं फरीदाबाद न्यूज। देखिए इंडिया गेट का नजारा कितना बढ़िया लग रहा है। ये बच्चे आए हैं देखने के लिए और वंदे मातरम भारत माता की जय के नारे भी लगा रहे हैं और बहुत सारे टूरिस्ट यहाँ पर दिखाई पड़ रहे हैं। और अब जो ज्यादा टूरिस्ट हैं वो इंडिया गेट के जस्ट बगल में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा देखने आ रहे हैं, जिसका उद्घाटन अभी कुछ दिन पहले भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। तो हर तरह के लोग यहां पर आ रहे हैं, हर तरह के लोग एंजॉय कर रहे हैं, अपनी फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ, बच्चों के साथ लोग एंजॉय करने आते हैं। तो प्रतिमा आपको दिखाई पड़ रही होगी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की, ये देखिए। और यहाँ पर बहुत सारे लोग आ रहे हैं सेल्फी लेने के लिए, एंजॉय करने के लिए। ये एक स्मारक है सुभाष चंद्र बोस जी का, आप देख रहे हैं। बहुत बढ़िया लग रहा है लोगों को और चारों तरफ का नजारा बहुत बढ़िया लग रहा है। इंडिया गेट का भी नजारा बहुत बढ़िया है, देखिए बहुत ज्यादा टूरिस्ट यहां पर भी हैं। ये देखिए किसी स्कूल के बच्चे हैं और ये यहाँ पर फोटो खिंचवा रहे हैं, बहुत अच्छा लगा होगा बच्चों को। अभी भी लोग आते जा रहे हैं, देखिए धूप है फिर भी लोग आते जा रहे हैं इंडिया गेट को देखने के लिए। और ये देखिए सरदार जी हैं जो सिक्योरिटी में तैनात हैं। देख सकते हैं बहुत सारे लोग आ रहे हैं, धूप की परवाह नहीं है, इतना बढ़िया ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा बना दी है और इतनी खूबसूरती यहाँ पर कर दी है कि वही देखने के लिए लोग दूर दूर से आ रहे हैं और भारी संख्या में आ रहे हैं। आज वर्किंग डे है उसके बावजूद भी इतनी ज्यादा यहाँ पर भीड़ आ रही है, इसीलिए क्योंकि यहाँ पर एक प्रतिमा भी लग गई है, खूबसूरती बढ़ा दी गई है और कोरोना के बाद ये खुला है, इसकी वजह से भी लोग यहाँ पर आ रहे हैं एंजॉय करने के लिए। ये अंडरपास बनाया गया है, अभी लोगों को रोड पार्क नहीं करना पड़ता, अंडरपास से आना पड़ता है, तो ये भी एक बदलाव है, बहुत अच्छा लग रहा है लोगों को। ये भी काफी अच्छा लग रहा है, देखिए पानी वगैरह इसमें भर दिया गया है, फाउंटेन नहीं चल रहे हैं लेकिन बहुत बढ़िया नज़ारा है। अगर फाउंटेन चला दिया जाए तो बहुत बढ़िया लग सकता है, देखिए चारों तरफ हरियाली, पानी बहुत अच्छा लग रहा है। आप लोग भी बताइए आपको कैसा लगा इंडिया गेट और उसके आसपास का नज़ारा, और नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा कैसी लगी ये भी बताइए।